हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि राज्यसभा चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान उन्होंने अभय चौटाला के बजट सत्र में कम समय मिलने के आरोपों को भी खारिज किया। आने वाली 26 तारीख को राज्यसभा की 55 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसको लेकर पार्टियों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता की, इसे लेकर चल रही तैयारियों के बारे में जानकारी साझा की। आज 6 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक नामांकन भरे जाने हैं, उसके लिए यहाँ जो भी व्यवस्था की दृष्टि से विधानसभा सहायता कर सकती है इस राज्यसभा इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए, वो हमने पूरी तैयारी कर ली। 2 सीटों का चुनाव जो है, एक अलग होना है और एक सीट का अलग होना है। 3 सीटों के ऊपर चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से एक उपचुनाव है और 2 चुनाव जो है वो रेगुलर राज्यसभा के मेंबर चुने जाएंगे। साथ ही विधानसभा स्पीकर ने सत्र के दौरान विधायकों को कम समय मिलने के आरोप पर कहा कि 10 सीटिंग हुई थी और पूरे सत्र में 169 मिनट बीजेपी विधायकों ने बात की, तो 163 मिनट तक कांग्रेस विधायकों ने। उन्होंने कहा कि ये कहना तो गलत होगा कि समय कम मिला। जहाँ तक इस विधानसभा सत्र की बात है, मेरा पूरा प्रयास रहा है कि सभी सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा बोलने का अवसर मिले। 10 सीटिंग इसके अंदर विधानसभा सत्र के अंदर हुई है और इन 10 सीटिंग्स के अंदर सत्ता पक्ष की तरफ से 16 मेंबर ने हिस्सा लिया और 169 मिनट्स ये उन्होंने बोला। इसी तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के 11 मेंबर ने 163 मिनट बोला। इस मौके पर विधानसभा स्पीकर ने इनेलो विधायक अभय चौटाला पर तंज कसा और कहा कि ये तो जनता ने फैसला कर लिया है कि वो कहाँ बैठेंगे। राज्यसभा के चुनावों में अब ज्यादा समय नहीं बचा है और अभी तक की पार्टियों के उम्मीदवार फाइनल नहीं हुए हैं। चंडीगढ़ से राकेश गुप्ता की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।